हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। इसको लाल दवा भी कहते हैं। ये बैंगनी रंग के क्रिस्टल के रूप में आती है। वैसे दोस्तों, इसका उपयोग अधिकतर लोग पानी की टंकी को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, लेकिन दोस्तों पोविडीन आयोडीन काफ़ी महंगी आती है और ये बहुत ही सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। इस 20 ग्राम पाउच के सिर्फ 45 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख रूप से उपयोग होता है घाव की ड्रेसिंग करने में। घाव को लाल दवा से धोने से वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, इसलिए घाव बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज करती है। इसके अलावा दोस्तों, लाल दवा का उपयोग पशुओं के कई रोगों में किया जाता है, जैसे कि पशुओं के स्तनों में थनोला रोग होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के पाँवों के खुर धोने और मुँह पका की समस्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पशु का मुंह धोने के लिए लाल दवा का उपयोग कर रहे हैं तो उसका रंग थोड़ा हल्का रखें, क्योंकि मुंह की स्किन सेंसिटिव होती है। ऐसे में घोल अगर आप गहरे रंग का करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप पशुओं का मुंह धोने के लिए 5 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को डालें, यानी कि सिर्फ एक चुटकी भर। और अगर आप लाल दवा से पशु के खुर को धोना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा गहरे रंग का बनाएं। वैसे दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग पशुओं के घाव को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट एक सस्ता एंटीसेप्टिक है, इसलिए इसे आप प्राथमिक उपचार के तौर पर घर में रख सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप सावधानी से करें और घोल बनाते समय इसे पानी में अधिक मात्रा में नहीं डालें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।